हम शहर के वार्ड नंबर 31 में पहुंचे। यहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं चिरंजीव राव, अपने चुनाव प्रचार में लगातार लोगों से जनसंपर्क करें, उनसे जानेंगे आखिर किस तरह का उनका चुनाव प्रचार चल रहा है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि कई पार्षद आज बीजेपी छोड़कर या कांग्रेस में शामिल है, वो कौन से पार्षद हैं, किस तरह से तमाम चीजों को देखें, किस तरह देखते हैं विधायक? देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी और हमारा जनसंपर्क कार्यक्रम चल रहा है। और मेरे बड़े भाई सतेंद्र जी, जो आप जानते हैं, जिनके पिता राजेंद्र जी बहुत पुराने कांग्रेसी रहे हैं, आज उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी में आज दोबारा शामिल हुए हैं, उनका हमेशा पूरा मान सम्मान रहेगा। और हमारे भाई नीरज जी जो पार्षद हैं, उन्होंने भी आज कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। तो हम सब लोग मिलके कांग्रेस पार्टी को ही मजबूत करेंगे और रेवाड़ी के अंदर जो विकास नहीं हो पाया पिछले 10 सालों में, उसको बेहतर बनाने में और लोगों के लिए जो विकास का भाव आ शहर में, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे कि आज लोगों का विकास हो पाए, आज जो लोगों को मूलभूत सुविधाओं की जो आज दरकार है शहर के अंदर, उसको ठीक किया जाए। विधायक जी, आप लगातार कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, 11वीं बार आपके परिवार से विधायक बनने की तैयारी चल रही है, जिम्मेदार कौन है? शायद आपको जवाब देना चाहिए। देखिए, आप एक बात बताओ, एक गाड़ी आप खरीदते हैं और 10 साल तक उसकी आप सर्विस नहीं करेंगे, उसका तेल नहीं बदलेंगे, उसका टायर नहीं बदलेंगे, तो वो गाड़ी खराब होगी ना। तो आज यही हालात रेवाड़ी शहर का, इन्होंने उसकी सर्विस भी नहीं करी। हमने यूनिवर्सिटी बनाई, हमने खरकड़ा में कॉलेज बनाया, हमने सेक्टर 18 में कॉलेज बनाया, आईटीआई बनाई, पॉलिटेक्निक बनाई, सेंट यूनिवर्सिटी बनाई, डिफेंस यूनिवर्सिटी बनवाई, ट्रॉमा सेंटर बनाया, सिविल हॉस्पिटल बनाया, मिनी सचिवालय बनाया, रिजांगला पार्क बनाया, नेहरू पार्क बनाया, पीएचसी बनाई, सीएचसी बनाई। ये उसका मेंटेनेंस ही कर लेते हैं, जिमखाना क्लब के हालात क्या है, कम्युनिटी सेंटर के हालात क्या है, सीनियर सिटीजन क्लब के हालात क्या है, ओल्ड एज होम के हालात क्या है, ये सब किसने लगाते हैं, इन्हीं पे टैग लगाते हैं। अब राव इंद्रजीत जी हमारी पार्टी को जब छोड़ के चले गए, तो वो उसका श्रेय कैसे ले सकते हैं? उन्होंने तो हमेशा ये कहा है कि यहाँ पर काम नहीं हुआ है, और काम मैं आपको गिनवाने लग रहा हूँ तो काम हमारे गिने जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ से जब विधायक मेरे पिता थे, तो आप भी जानते हैं जो रेवाड़ी में जो विकास होगा, उसका श्रेय तो वहाँ के विधायक और मंत्री को मिलेगा। वो आज तक आरोप लगाते रहते हैं कि यहाँ भेदभाव हुआ है, तो ये तो सबके सामने है कि उन्होंने इस इलाके के लिए कुछ किया नहीं। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि काम जो सरकार रहती है वो करती है, जो हमारे कांग्रेस के कार्यकाल में जो काम होंगे वो तो हमारी उपलब्धियां होंगी ना, उसको कोई और कैसे ले जा सकता है। एक चुनाव में भी एक मसला आ गया कि कोई कविता गाने वाला बता रहे हिंदू मुस्लिम कवि, आप नैरेटिव आज पूरे दिन गढ़ा गया, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं राजनीति करता हूँ मुद्दों के ऊपर, मैं राजनीति करता हूँ विकास के ऊपर, जो हमने काम किया है। अब कुछ लोगों के पास कोई और मुद्दा बचा नहीं है, उनको अपनी हार साफ नजर आ रही है। मेरे से बड़ा मुझे लगता है इस बात को साबित करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, लोग आपको बताएंगे कि हमने हमेशा लोगों की सेवा को अपना धर्म माना है। हमारे लिए इसको बताने की किसी को जरूरत नहीं है। मुझे लगता है राजनीति मुद्दों पे करनी चाहिए, अपने काम पे करनी चाहिए, और उसके ऊपर हम फोकस रखेंगे तो उसका लोगों को ही फायदा मिलेगा। टोपी और ये सब तमाम इस तरह की बातें जरूरत क्यों आनी पड़ी? ये उन लोगों की राजनीति है, वो हार को देख रहे हैं, आज उनकी हार हो रही है तो वो उस तरफ जा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि धर्म हमारा होना चाहिए लोगों की सेवा। राजनीति में आप आए हो तो लोगों की सेवा करिए, अपनों को उसी को कर्म माने। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, आप कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये लोग कर्म नहीं कर रहे, सिर्फ फल की इच्छा कर रहे हैं, तो बिना कर्म के तो फल मिलता नहीं है। एक लगातार वो विपक्ष लगातार कि आप डिप्टी सीएम का सपना दिखा के दोबारा इस तरह से दोबारा जीत। देखिए, उनको रोड़ा टिकट का था, हमारा रोड़ा तो था नहीं टिकट का, हम तो शुरू से कह रहे थे उनकी लड़ाई टिकट तक की थी। और टिकट भी ऐसा आदमी ले गए, ऐसे व्यक्ति ले गए जो कोसली से आए हुए थे, कोसली से आकर कहीं ना कहीं थोपने का काम किया रेवाड़ी के ऊपर। तो रेवाड़ी में तो हमेशा भारी को नकारा है, और आने वाले समय में आप देखिएगा मुद्दा एक क्लियरिटी करते हैं लोग, वो भी यूं कहते हैं कि जब आप सारनावास बावल में हुआ करता था, कैप्टन साहब यहाँ से विधायक बनते थे, तो आपको नहीं कहना चाहिए उनका। अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, आप हम तो रेवाड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं लगातार, हम तो कोसली नहीं गए थे चुनाव लड़ने के लिए, वो कोसली से आए ना रेवाड़ी। 2 दिन पहले तक भी कहां से टिकट मांगते थे, कोसली से मांगते थे, कोसली में कहा करते थे मेरी कर्म भूमि कोसली है। आज पता नहीं क्या अचानक से हुआ, 2 दिन बाद टिकट मिलते ही उन्होंने अपनी कर्म भूमि बदल ली, थोड़े दिन बाद हो सकता है वो अपनी जन्मभूमि बदल ले। तो मुझे लगता है कर्म भूमि जीवन में एक ही होती है। उनका एक स्टेटमेंट मैं सुन रहा था जो मुझे बड़ा दुखदायी था, मुझे बड़ा पीड़ा हो रही थी, जिसमें वो ये कह रहे थे कि मेरा तो प्रमोशन हुआ है कि मैं कोसली से रेवाड़ी आ गया, तो आज उनको कोसली अच्छा नहीं लग रहा, आज उनको रेवाड़ी अच्छा लग रहा है। कल को जब वो रेवाड़ी से हार जाएंगे, गुड़गांव चले जाएंगे, तो कहेंगे मेरी वहां भी प्रमोशन होगी। तो इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहां आपको लोगों को 5 साल आपको सेवा करने का मौका दिया, आप उसको अचानक से भूल गए और कह रहे मेरा प्रमोशन हो गया।
देखिए ये थे हमारे साथ चिरंजीव राव, लगातार लगा रहे आखिर किस तरह से बड़ी तरह की राजनीतिक मुद्दों की होनी चाहिए ना कि इस तरह की। हमारे साथ सत्येंद्र यादव मौजूद है, 5 साल आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, चिरंजीव राव जी के साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या लगा कि आपको अब यहाँ पर आना चाहिए। तमाम ऐसा मेरा पूरा परिवार था शुरू में, पापा वो भी स्टार्टिंग में थे कांग्रेस के साथ, तो मैं भी अब कांग्रेस साथ हूँ। मैं क्या बोल विधानसभा में इनके साथ हूँ, लोकसभा में राहुल गांधी के साथ। ऐसा क्या मतलब, क्या मन बदल गया आपका? नहीं मन नहीं बदला, मेरे भाई है छोटे, तो मैं इनका पूरा परिवार है सारा। देखिए उन्होंने अपना तरीका बताया कि आखिर किस वजह से वो आए। अब यहाँ पर नीरज जी है, वो भी लगातार राव साहब के यहाँ से देखे गए थे, आज यहाँ पर कैसे पहुंचे? पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बीजेपी कभी ज्वाइन ही नहीं की जी। और दूसरी बात ये, राव साहब का एक अलग चुनाव था, एक हमारे पड़ोस में हमारे शहर का था, वो एक अलग था, पर एमएलए साहब सब शुरू से जुड़े हुए। नहीं अब किस तरह की विचारधारा, क्योंकि आप मुमन देखे जाते थे विचारधारा, तो ये देखो अब लोग ये विकास की ये सारी लड़ाई देखो, आज हालात कितने हो गए, नगर परिषद का देखो क्या सिस्टम हो रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो नगर परिषद के मुद्दों को नाराजगी के चलते यहाँ पे पहुंचे, देखो विकास के प्रति तो आज पूरी जनता में रोग से, और सीधा सीधी सी बात है सारे पार्षद आज परेशान है विकास के लिए। हर फर्क तो आने, कुछ और भी पार्षद कांटेक्ट में हैं किस तरह से, जिस तरह से आपने झटका दिया है, तो विकास के लिए सभी पार्षद आएंगे, विकास के लिए आएंगे, सभी पार्षद विकास चाहते हैं भाई। कितने कांटेक्ट में अभी मान लीजिए, नहीं कांटेक्ट में की बात नहीं है, सभी पार्षद आएंगे, विकास चाहते हैं सब, सबका मुद्दा विकास है, सारे पार्षद विकास के लिए लड़ रहे हैं, और जल्दी जो भी विकास चाहता है वो पार्षद हमारे साथ आएगा। देखिए तमाम पार्षद वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल होगा, तमाम मसले इन्होंने रखे चिरंजीव राव या फिर तमाम जो ये पार्षद है, क्योंकि लगातार पार्षदों का नाम ले जाते कि आखिर किसके साथ एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं चिरंजीव राव दो पार्षदों को साथ लेकर वो नैरेटिव गढ़ने में कामयाब जरूर है। उसका परिणाम क्या होगा आने वाले समय में देखना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं आज चिरंजीव राव जो एक दो पार्षद शामिल करने के बाद कहीं ना कहीं आगे जरूर दिखाई दे रहे हैं।